पूछूं ना, एक और डिफरेंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं चाहूंगी कवर करना, वो है डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड ट्रेडिशनल क्राइम और द कन्वेंशनल क्राइम। नॉर्मली जो क्राइम हुआ करते थे वो होते थे चोरी करना, डकैती करना, फ्रॉड करना, किसी तरीके का इस तरीके की चीजें करना। अभी हम बोलते हैं साइबर क्राइम। मतलब अगर मैं यहाँ हूँ, दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे वर्ल्ड में कहीं भी किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हाउ इज इट पॉसिबल? सो ये सब चीजें, क्या डिफरेंस क्या है तो अगर कन्वेंशनल क्राइम में और साइबर क्राइम में? हम लोग बोलते हैं कि साइबर क्राइम एक अलग है, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्राइम। बिकॉज ट्रेडिशनल क्राइम में आपको वहां जाना पड़ेगा जहां आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चोरी करनी है तो मेरे को जाना पड़ेगा जहां पर मुझे करनी है। बट साइबर क्राइम में ऐसा नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आई हैव टू बी एट माई होम और एट माई वर्क प्लेस, एंड मुझे चाहिए एक सिस्टम, मुझे चाहिए टेक्नोलॉजी की हेल्प थोड़ी सी, और मैं कहीं भी कोई भी क्राइम कर सकती हूँ। सो क्या ये डिफरेंस है? यस, इट्स अ डिफरेंस। सो आज मैं आपको बच्चे ये एक टॉपिक और कवर कराने वाली हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइबर क्राइम एंड द ट्रेडिशनल क्राइम, कन्वेंशनल क्राइम, एंड क्या दोनों की पनिशमेंट, दोनों के लिए लॉस भी अलग बनाए गए हैं? हाँ, दोनों के लिए पनिशमेंट, दोनों के लिए लॉज हैं जो आप आगे पढ़ेंगे बच्चे। आगे हमारा पूरा सब्जेक्ट है साइबर लॉ के ऊपर, जिसमें अलग अलग टाइप के लॉज जो हम लोगों के लिए बनाए गए हैं सो दैट हम लोग इन चीज़ों को कम कर सके, इनको खत्म कर सके। इस तरीके का जो क्राइम है हम उससे अवेयर रहें, हम अपने साथ इस तरीके का क्राइम ना होने दें। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे मैसेजेस आप बच्चे देखते हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल साइबर क्राइम। जो फाइनेंशियल साइबर क्राइम में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे साइबर क्राइम जहाँ होते हैं वहाँ फाइनेंशियल लोगों को लॉस होता है। बहुत सारे उनकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उनके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड का मिस यूज़ हो जाता है, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ किया जाता है, उनके जो पासवर्ड्स हैं। तो बार बार RBI और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाती है कि कोई आपसे आपका OTP पासवर्ड डिमांड नहीं करता। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं, क्यों हम इस तरीके के एडवर्टीजमेंट आज के टाइम में देख रहे हैं, क्यों इस तरीके की चीजें बढ़ गई हैं? क्योंकि आज के टाइम में साइबर क्राइम बढ़ गया है। क्योंकि हम लोग सारी चीजें कैसे कर रहे हैं, अगर आप इफ यू वांट टू बाय समथिंग, आजकल बच्चे क्या हैं, घर बैठे बैठे सामान मंगा लेते हैं, पेमेंट करते हैं। पेमेंट कैसे करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे, क्रेडिट कार्ड करेंगे, डेबिट कार्ड करेंगे। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ऑन अ साइबर प्लेटफॉर्म, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। मिस यूज करके आपके अकाउंट से मनी विड्रॉ हो सकती है, आपके नाम पर बहुत सारा फ्रॉड किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो साइबर क्राइम में कवर हो रही हैं। सो चलिए बच्चे, आगे हम इसमें देखते हैं कि डिफरेंस क्या रहेगा बिटवीन द साइबर क्राइम एंड कन्वेंशनल क्राइम। तो फर्स्ट देखते हैं एविडेंस ऑफ द ऑफेंस, मतलब जो क्राइम हुआ है उसका एविडेंस कैसे होगा। देखिए, मैं क्लास में ये चीज बच्चों से ही करवाती हूँ कि मोस्टली कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है एविडेंस कैसे होगा, मतलब कि क्या होगा, किस केस में एविडेंस आपको लगता है कि मिलता है और किस में नहीं। तो आई थिंक इसमें मोस्टली बच्चे सही आंसर करते हैं कि मैम ट्रेडिशनल क्राइम, कन्वेंशनल क्राइम में आपको एविडेंस मिलने के चांसेस आर वेरी हाई एज कम्पेयर टू साइबर क्राइम। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल क्राइम में बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं चोर अपना निशान छोड़ जाता है, तो वो वाली एक जो लाइन है वही यहाँ पर बिल्कुल फिट है, दैट ट्रेडिशनल क्राइम यूजली लीव ट्रेसेस ऑफ अ क्राइम। समझ रहे हैं, ट्रेस, उनका जो भी कहीं ना कहीं उनका कोई तो फुट मार्क, हाथों के निशान, एनीथिंग एनीथिंग दे कैन मतलब फिगर आउट। बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे सीरियल्स आपने देखे हैं कि वो लोग हमारे जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है वो फिर सर्च करते हैं, वो फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं, फिजिकल एविडेंस देखते हैं, फुटप्रिंट्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देखा जाता है। सो मैं कह सकती हूँ कि कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल क्राइम में ये एविडेंस मिलने के चांसेस आर वेरी हाई, बट इन साइबर क्राइम बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर टेक पर्सन, आई कैन से दे आर टेक पर्सन, दे हैव गुड नॉलेज, अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। सो वेन दे आर डूइंग देयर क्राइम, दे ऐसे नहीं है कि वो ऑब्वियसली उनका एविडेंस नहीं मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, बट दे आर टू स्मार्ट एंड दे आर टू इंटेलिजेंट बिकॉज दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर देयर क्राइम। सो द चांसेस आर वेरी लेस दैट दे लीव वेरी लिटिल एविडेंस। सो चांसेस आर वेरी लेस कि वो अपना कोई एविडेंस छोड़ेंगे या अपने क्राइम के लिए कोई भी आपको हिंट देकर जाने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। सो यस, वी कैन से दैट इन कन्वेंशनल क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम केसेस जो कि विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी किया जाता था या अभी भी है, उस टाइप के क्राइम्स में एविडेंस मिलने के चांसेस आर वेरी हाई एज कम्पेयर टू
साइबर क्राइम। नाउ लेंथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन होती है क्या उसकी लेंथ, आई मीन टू से द पीरियड विच द पुलिस और द सीबीआई और द अथॉरिटीज आर टेकिंग टू कैच द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसने भी किया है, जो टाइम पीरियड लगता है, जो टाइम है इन्वेस्टिगेशन का, वो किस केस में ज़्यादा है, क्या लगता है, साइबर क्राइम में ज़्यादा होगा या नॉर्मल जो क्राइम होते हैं विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी कन्वेंशनल क्राइम उसमें ज़्यादा होगा? सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम आई थिंक कि कन्वेंशनल क्राइम में ज़्यादा होगा, क्योंकि साइबर क्राइम में तो आप इजीली कर सकते हो ना ट्रेस, मतलब आप देख लो कि कहाँ से हुआ है, इंटरनेट पे आप आईपी एड्रेस ट्रेस कर लो, ये सब चीज़ें हैं, सब बताया जाता है, बट क्या है इसका सही आंसर देखते हैं। सिंस साइबर क्राइम इन्वॉल्व perpetrators using falsified names and working from remote location, so it takes longer to identify the real cyber criminal and उनको कैच करना। समझ रहे हैं बच्चे? क्योंकि जो साइबर क्राइम किया जा रहा है बच्चे, वो कहाँ किया जा रहा है, मैंने आपको कहा ना मैं दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ वर्ल्ड के किसी भी कहीं भी ये इस तरीके का क्राइम कर सकती हूँ। सो अगर आप वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से वो ढूंढेंगे कि कहाँ से ये हुआ है, कौन सी कंट्री है, कौन सी स्टेट है, कौन से आईपी एड्रेस से हुआ है, कहाँ से ये सब चीज़ें हुई हैं। सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आपने हैकर बहुत सुना होगा, अभी कई बार बच्चों का होता है कि हमारा हैक हो गया, हमारा ईमेल अकाउंट हैक हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हैक हो गया, हमारा आईडी हैक हो गई। तो बेसिकली हैकर्स क्या कर रहे हैं, हैकर्स क्या कर रहे हैं, वो इस तरीके का आपकी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उनको पकड़ना, उनको उस टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकना, पकड़ना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो कहाँ हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो एविडेंस ही नहीं छोड़ते हैं, तो एविडेंस आपको मिलता नहीं है। एंड अगर आपको सपोज करिए एविडेंस मिल भी जाता है, सो कहाँ पर है, दुनिया के कौन सी कंट्री में है, कौन से सिटी में है, कहाँ जाके आप ढूंढ रहे हैं, फिर रूल्स होते हैं, आप ऐसे किसी कंट्री में इस तरह से इतना ईजी नहीं होता। सो आई कैन से द लेंथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, the whole process to catch the thief or the person hacker, जो भी जो भी crime है उसको करना is very difficult as compared to the traditional crime. ट्रेडिशनल क्राइम में अगर कोई पर्सन क्राइम कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो जब आपको इन्फॉर्मेशन है तो हार्डली आप उसको कैच करेंगे, आपके दूर नहीं होगा वो, कहीं ना कहीं आसपास होगा, कहीं ना कहीं उसने एविडेंस छोड़ा है, तो आप उसे इजीली कैच कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, कहाँ है, कौन सी कंट्री में है, एविडेंस है कि नहीं है, और ये सारे टेक्नोलॉजी वाले होते हैं तो ऑब्वियसली दे नो हाउ टू एस्केप, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर साइबर क्राइम, क्या हम उन्हें इजिली कैच कर सके। क्या और भी कोई डिफरेंस है? हाँ, स्केल ऑफ अटैक। देखिए बच्चे, अगर एक चोर चोरी करने जा रहा है तो वो एक बैंक में करेगा हार्डली, ठीक है, एक टाइम पे एक बैंक में कर लेगा, दो में कर लेगा, एक घर में कर लेगा, कितना कर लेगा, ठीक है। बट जब हम लोग साइबर अटैक की बात कर रहे हैं, हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, सो ये एक ह्यूज लेवल पर किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जांपल मैं आपसे भी आपको मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा असाइनमेंट में आपको दूं कि आप मुझे बताएं नेक्स्ट क्लास में, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैम ये सारे जो हैं हमने ढूंढे हैं या हमने सुने थे इस टाइप के अटैक, बहुत सारी मूवीज बनाई गई हैं, अगर आप देखना चाहेंगे बहुत सारी मूवीज हैं इस टाइप के साइबर अटैक पे, जो धूम और बहुत सारी चीजों को उन्होंने दिखाया है कि किस टाइप से वो अटैक कर रहे हैं, पर वो ट्रेडिशनल क्राइम था बच्चे। साइबर क्राइम में जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप एक साथ एक नहीं, थाउजेंड नहीं, आप कितनी भी साइट्स को हैक कर सकते हैं, कितने भी बैंक, कितनी भी चीजों को आप जो है साइबर चीज़ों को यूज़ करते हुए, साइबर स्पेस को यूज़ करते हुए आप अटैक कर सकते हैं। तो मैंने आपको देखिए स्लाइड में बताया है कि साइबर अटैक कैन बी कंडक्टेड ऑन अ स्केल दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द फिजिकल वर्ल्ड। मैंने कहा ना आप एक टाइम पर कितना कर लेंगे, सपोज करिए अगर एक चोर चोरी करने जा रहा है तो वो एक टाइम पर एक बैंक देखेगा, दो देख लेगा, तीन कर लेगा, बट जब आप साइबर की बात करें ना, साइबर अटैक की, तो एक या दो नहीं, वो मोर देन 100 भी हो सकते हैं, वो एक साथ कितने भी सिस्टम्स को रोक कर किसी भी तरीके से वो इन चीज़ों को कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो स्केल ऑफ अटैक है वो साइबर क्राइम में ज़्यादा है। तो आप आई थिंक आई कैन से कि साइबर क्राइम इज मोर सीरियस एंड मोर हार्मफुल फॉर आर सोसाइटी, बिकॉज आप घर में बैठे हैं और आप एक क्लिक से
आप कितने लोगों की लाइफ को जो है वो बिल्कुल टू द एंड लेकर आ रहे हैं, कितने लोगों की सेविंग्स हैं, कितना कुछ है, इंफॉर्मेशन है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी इंटीग्रिटी है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, आप कुछ भी मतलब साइबर स्पेस को यूज़ करके कर सकते हैं. सो इट्स अ मोर 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 हार्मफुल एंड इट्स अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ क्राइम जो भी ये साइबर क्राइम होते हैं. सो ना तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रीच ऑफ अटैक. रीच ऑफ अटैक आप समझ रहे हैं बच्चे, अभी हमने डिस्कस किया स्केल. स्केल इज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. साइबर क्राइम इज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, वेयर एज द अटैक जो आप करते हैं उसका जो रीच है, लेवल है, कहाँ तक. तो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि साइबर क्राइम में देर इज नो ज्योग्राफिकल लिमिट, देर इज नो लिमिट. आप किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी पार्ट में बैठकर आप इसको कर सकते हैं. सो इट कैन बी परफॉर्म एनी वेयर इन द वर्ल्ड. यू कैन बी परफॉर्म एंड विद इन योर एरिया इफ यू वॉन्ट टू, मतलब आउटसाइड इंडिया, इंडिया में भी आप कहीं कहीं भी जाके आप इस टाइप का जो साइबर क्राइम है वो कर सकते हैं. सो एंड बेसिकली द अटैकर्स आर ऑल्सो एबल टू एक्सट्रैक्ट फार मोर डाटा डिजिटली देन वुड एवर बी पॉसिबल इन द फिजिकल वर्ल्ड. अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं कितने लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल पाऊंगी, अगर इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग रॉन्ग, सो मैं कितना इंफॉर्मेशन ले पाऊंगी. मैं हार्डली शायद डेली मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडिया में ले लेंगे, चलिए ठीक है. बट अगर आप साइबर की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ बैठकर वर्ल्ड में, तो अटैक टेक्नोलॉजी यू कैन गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड. अगर मैं बोलूँ एक चोर है जो चोरी करने जा रहा है, मिनट्स इवन सेकंड्स नहीं लगते आपको इंफॉर्मेशन करने में. मूवीज में आपने देखा होगा ना, फटाफट दिखाते हैं कि अरे इस अकाउंट से इस अकाउंट में